इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मौका नहीं दिया उठने का. अच्छा उनका वो एक हार भी होगा ना जो कि बिल्कुल फॉर ऑल द राइट रीजंस के वर्ल्ड कप के सारे मैच जीतते हुए फाइनल हार गए थे और ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था. आज मेरे ख्याल में रोहित शर्मा शो कहना चाहिए. इस तरह उसने फास्ट बॉलर्स को फेंटा दिया ना, ये नहीं कहना चाहिए मारा फेंटा दिया है, क्योंकि जिस तरह छक्के मारे हैं उसने क्योंकि जी तो वो काबिले दीद थी. तो आज की जो इनिंग्स थी ना जी, तो वो ये था कि जी आज का इनिंग्स नहीं, आज का जो पूरा मैच था, पूरा दिन था, वो रोहित शर्मा के नाम था. राशिद मियां छोड़ सारा कुछ, आज सिर्फ रोहित शर्मा के बारे में दो चार लाइनें बोले तो सभी बात करते रहते हैं. मैच की खास बात थी कि आईपीएल का टच नजर आया आज, और जिसमें 22 में से 20 प्लेयर आईपीएल के प्लेयर थे, शायद हैदरवुड और टेम्पर नहीं थे, बाकी सारे प्लेयर आईपीएल खेल के आए हुए. मिचेल मार्श को जो, मिचेल स्टार्क को जो 29 रन हो गए ना एक ओवर में, 4 छक्के, वो भी एक अमेजिंग आईपीएल वाले फ्लेवर था. सही कह रहे, 8 छक्के यार. इसकी रोहित शर्मा की फिटनेस देखी आपने, पेट अलग से बाहर खड़ा हुआ नजर आ रहा है उसका यार, राणा टोंगा से ज्यादा पेट नजर आ रहा है उसका. 8 छक्के मारे उसने, डबल एक्सल पहने तो नजर. मैं यही कह रहा हूँ अली, आप कप्तान अपने शोल्डर पे चलता है. आज रोहित ने आज बैटिंग करके कमाल, और कितना 240-44 का स्ट्राइक रेट, 224 का स्ट्राइक रेट, कमाल. हार्दिक पांडे और दुबे आप देखें, उन्होंने आगे कसर निकाल दी. यही एक टीम वर्क होता है कि एक नहीं चले तो दूसरा. ये जो रोहित शर्मा ने 92 रन किए ना, ये बनाने में, ये बनवाने में मिचेल स्टार्क का बहुत बड़ा हाथ है भाई. जब आप पहला ओवर ही इतना गंदा करेंगे, मुंह पे किए जा रहे हैं हर बॉल, मुंह पे वो छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, जगह वो सिर्फ बैठ रहा था और छक्का हो रहा था. मतलब किस किस्म के प्रोफेशनल हो यार. रोहित शर्मा जिस तरह माना जाता है कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, एक्सप्लोसिव किस्म की बैटिंग करते हैं, आज एक दफा फिर बड़े मैच में उन्होंने प्रूव किया. देखिए माना कि जैसी मर्जी अच्छी बैटिंग कंडीशंस है, मगर जो रेंज ऑफ शॉट्स है, और फिर ये नहीं कि एक शॉट के बाद दूसरे के लिए कोई आराम से खेलने की कोशिश की, छक्के के बाद फिर छक्का फिर छक्का, तो ये सिर्फ, और फिर टेक्नीशियन भी है, मुश्किल पिच पे भी बैटिंग करते हैं और फ्लैट पिच पे तो बिल्कुल ही फना कर देते हैं. दोस्तों नमस्कार, कल भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2023 वर्ल्ड कप की फाइनल का थोड़ा सा बदला ले लिया है. ये बदला पूरा तब होगा जब अफगानिस्तान बांग्लादेश को हराकर ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर देगा इस वर्ल्ड कप से, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतने के बाद इनकी टीम बहुत ज्यादा घमंड आ गया था, वो घमंड टूट गया कल. और अगर आज जीती है अफगानिस्तान तो इनका घमंड बिल्कुल चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि ये हार को कभी भूल नहीं पाएंगे अफगानिस्तान वाली. कल रोहित शर्मा ने क्या शानदार बैटिंग की, 8 छक्के मारे रोहित शर्मा ने कल, 4 छक्के मारे मिचेल स्टार्क को एक ही ओवर. जिंदगी में सबसे महंगा ओवर था T20 में, ऐसी मार वो जिंदगी पर भूल ही नहीं पाएगा. एक समय पर लग रहा था कि कल इंडिया 220 से ज्यादा बनाएगा, लेकिन हमारी बैटिंग कोलैप्स करके बीच में, इसलिए हम 205 रन नहीं बना सके. लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि विराट कोहली को ये लोग ओपनिंग क्यों करवा रहे हैं, विराट कोहली ओपनिंग का प्लेयर नहीं है. 6 मैच हो चुके हैं और विराट कोहली किसी मैच में नहीं चला, इसीलिए मुझे लगता है कि सेमीफाइनल मैच में इनको विराट कोहली को नंबर 3 पे खेलना चाहिए और जयसवाल से ओपनिंग करानी चाहिए, दुबे को बाहर करना चाहिए, तभी ये टीम कंप्लीट टीम बन पाएगी. क्योंकि सेमीफाइनल में जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी इंग्लैंड में पिछली बार 10 विकेट हराया था. भारत के सेमीफाइनल में पहुंचते ही पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं, वो जलन के मारे पागल हो गए. आज मेरे ख्याल में रोहित शर्मा शो कहना चाहिए जी, जी. कि आज का जो शो था ना, कि वो रोहित शर्मा था, क्योंकि लोग तो बहुत सारे स्कोर कर देते हैं 92, लेकिन जिस तरह का मैच था, जिस तरह की अपोजिशन थी, और वो आउट ऑफ फॉर्म था, हर चीज उसके अगेंस्ट थी. 41 बॉल पे, लेकिन जिस तरह उसने फास्ट बॉलर्स को फेंटा दिया ना, ये नहीं कहना चाहिए मारा फेंटा दिया है, क्योंकि जिस तरह छक्के मारे हैं उसने क्योंकि जी, तो वो काबिले दीद थी. तो आज की जो इनिंग्स थी ना जी, तो वो ये था कि जी आज का इनिंग्स नहीं, आज का जो पूरा मैच था, पूरा दिन था वो रोहित शर्मा के नाम था. क्योंकि जिस टाइम आप सेमीफाइनल में इंटर हो गए, हालांकि जो अब पता चल रहा है उनका इंग्लैंड से आएगा, इंग्लैंड भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन जाहिर है जिस टाइम आपने वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए जा रहे होते हैं तो आपको इस तरह की बड़ी टीमों को तो हराना पड़ता है. लेकिन ये जिस तरह की टीम नजर आ रही है इस टाइम, तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस टाइम सारों से. जैसे इंदी भाई ने कहा ना कि रोहित शर्मा हिटमैन उनको कहा जाता है, और आज की अगर हम उनकी परफॉर्मेंस देखें, मैं चाहूंगी मैं डिटेल में जरा इस पे बात करूं. 92 रन उन्होंने स्कोर किए हैं विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 224, जिसमें 8 छक्के 7 चौके शामिल हैं. 19 गेंदों पे तो उन्होंने 50 कर लिया था, और जब 50 स्कोर हुए ना तो 48 उनके थे, 2 रन थे वो किसी और प्लेयर ने स्कोर किए हुए थे. तो व्हाट अ परफॉर्मेंस, कैप्टन्स नॉक. और फिर हमने देखा है फील्ड में भी अगर कुछ जरा सा भी इधर उधर हो रहा है तो वो चिल्ला रहे हैं, एंड ही वाज 100% इन. देखें ये बहुत प्लेयर है इंडिया में, जब भी ये स्कोर करता है ना, आप देखें ये फेयरलेस होकर खेलता है. इसको ये नहीं होता कि मैंने रैंकिंग के लिए खेलना है. टीम एक तो कैप्टन है, और जब भी इसकी आप इनिंग देखें, मतलब या तो ये आउट हो जाएगा या ये फिर टीम को उस मुश्किल से निकाल देगा. आज भी देखें विराट आउट हुआ पर उसने कोई प्रेशर नहीं लिया, और कुर्बान जाऊँ उस पर मिचेल स्टार्क पे कि वो उसने एक ही लाइन पकड़ी थी, उसने 4 छक्के मारे, वो भी नहीं हटा, वो भी नहीं हटा. नहीं उसकी देखो इंजी, उसकी स्ट्रेंथ है अगली वाली बॉल. और आप सारी दुनिया को, आप 2 ऐसे बॉलर हैं जिनका पता है कि ये इन स्विंग आगे करते हैं, एक शाहीन और ये एक स्टार्क.
और उसने भी लाइन चेंज की। मैं जी बैठ के ये बात कर रहे थे कि यार इसकी इतनी पेस है, ये क्यों नहीं थोड़ा सा लाइन चेंज करता अपनी और एक ही जगह पे करता रहता है। अब शर्मा जैसे प्लेयर को पता है कि इसने आगे इनस्विंग करनी है, आप देखें उसने कोई बॉल नहीं रोकी, उसने वो मारता गया वो भी वहीं करता गया। हालांकि जिसपे उसने आउट किया उसको यॉर्कर किया था, वो मतलब आप अगर किसी भी बैट्समैन को जिसकी स्ट्रेंथ है आगे वाली बॉल को वो उठा के मारता है, एक शॉट उसने एक्स्ट्रा कवर में मारी है जो क्रिकेट वाली शॉट थी, कमाल किस्म का उसने छक्का दिया। रोहित की बारे में बात करूंगा क्योंकि मुझे पता है बेताब होंगे इस मौजू पे बात करने के लिए, विराट से रजनी, लेकिन पहले इफ़ी भाई रोहित पे बात करेंगे। रोहित पे बहुत तनकीद की जा रही थी गुज़िश्ता मैच में भी, उन्होंने गो के 10 गेंदों में 21 रन किए लेकिन उसके बावजूद भी उन पर तनकीद की जा रही थी कि यार वो परफॉर्म नहीं कर रहे, विराट परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन आज रोहित ने जिस अंदाज से बैटिंग की है, नर्वस 90s के शिकार हुए, थोड़ा अनलकी रहे कि यॉर्कर पे वो आउट अंदर आती हुई गेंद पे, वरना 100 रन वो डिजर्व करते थे। अली हाल में रोहित शर्मा पिछले एक साल से, मैं तकरीबन सवा साल हो गया मुझे देखता हुआ, इवन टेस्ट हो, T20 हो, ODI हो, वर्ल्ड कप में भी आपने देखा होगा लोग बोलते रहे रोहित बड़ा केयरलेस होके खेल रहा है, और उसने अपना मोमेंटम बढ़ती उम्र के साथ उसने जहन बना लिया कि नीचे प्रेशर नहीं आने देना, मेरी जहां मैक्सिमम कोशिश होगी वहां गेम को इतना बाहर कर दूंगा किसी भी पोजिशन के लिए वहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो वही था कि यार ना रोहित चल रहे थे ना विराट चल रहे थे, और हमारा कहना यही था इस मंच में, हमने कितनी दफा कहा कि यार दोनों में से एक जिस दिन चलेगा उस दिन इंडिया 200 का हिस्सा पार करेगा। मुझे तो ये लग रहा है कि भैया ये इंडिया और अफगानिस्तान का फाइनल ना हो रहा, फिर आप बोलोगे कि अफगानिस्तान जो है वो आज ऑस्ट्रेलिया भी तो हारा है IPL के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये कोई नहीं कह रहा यार, ये थोड़ा कह रहे हो लोग, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे, मगर अली जो सीरियस बात है वो ये 8 छक्के यार, इसकी रोहित शर्मा की फिटनेस देखी आपने, पेट अलग से बाहर खड़ा हुआ नजर आ रहा है उसका यार, राणा टुंगा से ज्यादा पेट नजर आ रहा है उसका, 8 छक्के मारे उसने, डबल नहीं डबल एक्सल पहने तो नजर, मैं यही कह रहा हूँ अली, आप कप्तान अपने शोल्डर पे चलता है, वो देख चुका है 1.25 लाख स्टेडियम में खामोश लोगों को अहमदाबाद के अंदर, वो देख चुका है 140 करोड़ की उम्मीदें टूटती हुई, वो देख चुका है भैया 2.5 बिलियन पीपल यानी कि 2.5 अरब लोग देख रहे थे उस दिन मैच यार, 2.5 अरब से शायद ज्यादा देख रहे थे, रिवेंज गेम भी था जिनके लिए भी, और वो शिकस्त देख चुका है, वो अब दोबारा इस पोजीशन में लेके नहीं आएगा, उसने अकेले जिम्मेदारी ली, उसने मतलब भाड़ में जाओ तुम कोहली यार, ऐसी की तैसी मैं मारूंगा आज, कोई चले ना चले मैं चलूंगा आज, और वो चला तो फिर ऐसा चला ब्रेव हार्ट चला, तो टीम को लीड जब करता है ना कप्तान अली तो फिर वो इसी तरह खुखार होता है, और मैं तो जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ इस चीज के लिए स्टार्क को। मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यार इतनी प्रोफेशनल क्रिकेट इन्होंने खेली हुई है, और हम ऑस्ट्रेलिया की बातें करते हैं कि प्रोफेशनल टीम है, नो डाउट बहुत बड़ी टीम है, बहुत प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, लेकिन जिस तरीके से ये जो रोहित शर्मा ने 92 रन किए ना, ये बनाने में स्टार्क का बहुत बड़ा भाई, जब आप पहला ओवर ही इतने गंदा करेंगे, मुंह पे किए जा रहे हैं हर बॉल मुंह पे, वो छक्के मार रहा है चौके मार रहा है जगह, वो सिर्फ बैठ रहा था और छक्का हो रहा था, मतलब किस किस्म के प्रोफेशनल हो यार आपने, मतलब उसने पहले ओवर देखा है, उसने मारना शुरू किया है और मोमेंटम बन गया, जाहिर सी बात है उसने क्रिकेट इतनी खेली उसको समझ लग गई कि भाईजान एस विकेट दे कुछ नहीं होगा, इजी है ठीक है अब इजी है अब खुला हाथ रखो, बिल्कुल तो उसने खुला रखा, फिर वो जो आ रहा था उसको मार रहा था जो आ रहा हर जगह, और मिचेल स्टार्क को ऑफ स्टंप पे आके ऑन पे दिए जा रहा है, वो ऑफ स्टंप पे बॉले दे रहा है, वो कवर पे छक्के मारी जा रहा है, मतलब पथेटिक किस्म का स्टार्ट किया है मिचेल स्टार्क ने, और हम लास्ट मैच में यही बात कर रहे थे कि भाई मिचेल स्टार्क को क्यों बिठाया गया, इसीलिए इसको खिलाना चाहिए था, और आज इस वजह से खिलाया क्योंकि वो 12 से खेल रहे थे, एक तो इंडिया के 11 लड़के होते 12वां ये था स्टार्क, इस भाई साहब की वजह से इतने ज्यादा रन बने। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें रोहित शर्मा की, बैड बॉलिंग करो अच्छी बॉलिंग करो, इस तरीके से छक्के मारना भी इतना आसान नहीं है, तो सही उसका मैन, मतलब इस वक्त का सबसे जो लॉन्गेस्ट सिक्स है वो अभी रोहित ने जो है वो मारा है, देखिए अब आप मीटर मेरे ख्याल में 110 110 छपड़े पे जो आगे लगी थी।